चलो नाश्ते पे बैठो, नाश्ता करो, उठाओ चाय। आज नाश्ते में बनाए हैं, क्या बनाए हैं नाश्ते में? गोभी के आज पराठे, हमने नाश्ते में बनाए हैं गोभी के पराठा पराठे। रात बनाई थी आलू गोभी, और ये बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता करने की आज ये वजह है, ये घर में इसलिए हैं, सुबह लाइट नहीं थी। 4:30 बजे की जो लाइट गई है, 8:30 बजे आई है, और स्कूल का टाइम इनका हो गया था ऑफ, क्योंकि घर में पानी भी नहीं था और बिजली भी नहीं थी, जिसकी वजह से ये स्कूल नहीं जा सके। और इस वक्त टाइम हुआ है 1:05, तो ये इस वक्त कर रहे हैं नाश्ता, और मैं इनके लिए बना रही हूँ गोभी के पराठे। ये देखिए जी, गोभी के पराठे थोड़े थोड़े सीख रहे हैं बस। ये शुक्र है अल्लाह का, आज इतनी तो गैस आ। ये देखिए जी, अजान हो रही थी और मैंने व्लॉग इसलिए रोक दिया था, और बच्चों ने कर लिया नाश्ता। ये है सेवियाँ दूध वाली, जो मोहम्मद मारिज ने रात को खाने के बाद बनवाई थी, दूध के बगैर बनाई थी, लेकिन इस टाइम मैंने इनके लिए दूध डाल के सेवियाँ रखी हैं। ये दूध वाली सेवियाँ, और माविज भाई ने पहनी है पुट्ठी शर्ट। वो देखो, माविज भाई ने रात को सोते हुए अंधेरे में पुट्टी शर्ट पहनी। स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो इन्होंने अब जब लेटे तो पुट्टी शर्ट पहन के लेटे। चले जी, मैं इनके लिए बना देती हूँ एक और पराठा, कहीं गैस ना चली जाए। अच्छी है। ये देखिए जी, इनका एक और पराठा बना देते हैं, क्योंकि नमाज़ान की वजह से मैं थोड़ा सा काम रोक के बैठ गई थी, तो अब ये पराठा बना दूँ। और पराठा बना के देते, बाबा से कॉल करके, छोटे मोबाइल से कॉल करके पूछो कि बाबा पराठा भेजना है आपके गोभी के। आपने देखा ही नहीं कि बाबा को करना है या मामू को? मुझे लग गया सीधा ऊपर मामू को क्या? लो ये देखो, ये हाल है मास का। कहना क्या है भाई? मम्मी गोभी का लो, मैंने अभी भी कहा ना गोभी भाई, देख कर मुझे शेर बैठा है भूखा। वो इस मोबाइल पे कर देंगे जिसपे हम व्लॉग बना रहे हैं, अब इस पे ही आएगा फोन, देखना रोकना पड़ेगा। चलो मैं जल्दी से आपको ये सेक के पराठा देती हूँ। हाँ जी, क्या करना है आपने? ये बाबा भी बता देते तो पराठा बना देते, फिर गैस चली जाएगी लाइट के साथ। मत दोबारा कॉल करके पूछो ना, एक कॉल और कर लो, लाइट चली गई, लाइट चली जाएगी, गैस भी चली जाएगी, फिर देख लो। अगर कह देंगे तो मैं बना देती हूँ। आज तो मैंने सुबह नाश्ता ही नहीं किया, निहार में मेडिसिन खा ली, क्योंकि मेडिसिन तो रोकनी नहीं है हार्ट की, वो तो हर हाल में खानी है, इसलिए मैंने निहार में खा ली। ना लाइट थी और ना पानी था, पानी तो पीने वाला भी नहीं था फिल्टर का, इसलिए कि वो प्लांट नहीं चल रहे। लाइट हो तो बिजली के साथ चलते हैं प्लांट, बिजली नहीं है प्लांट बिल्कुल नहीं चल रहे। हर इंसान पीने के लिए पानी के लिए भी परेशान है, पीने का पानी भी आज इतना मुश्किल हो गया है हर इंसान के लिए। गोभी के हेलो, स्पीकर पे मुंह रख के बोलो। चलो नाश्ता बन गया, करो आप दोनों नाश्ता, आप तीनों बैठ के करो, जब उनकी कॉल आएगी बना दूंगे फिर। चलो आप बैठो, पहले बना के खिला दो, ना खाए मांस फिर। अबे जा तो क्या सब कर, एक घंटे बाद ब्लड जाने आ गए। अच्छा चले जी, बन गया पराठा। ये लो ये लो ये लो, देखो मैंने क्या करा, पराठा अपने जाय में अंदर डाल। मोहम्मद मारी सेवी अच्छी बनी।
मामा बारिश की सेवियां। चलो नाश्ता करो। अच्छा माँ कर लिया वो पराठा? चले जी करते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। माविद भाई स्टार्ट करेंगे। हाय, आई एम माविद वसीम एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और कैसे हो लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैर से होंगे। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? 1:30 बज रहा है और व्लॉग हमने 1:05 पे स्टार्ट किया था। तो अरे आप भी अगर गोभी का पराठे खा ले, गोभी का पराठे खाने में मजा ही कुछ और है सर्दी में। वो देखें वो साहब जो है सेवियां खा रहे हैं। सेवियां तो खा ही रहे, दूध ही पी रहे बस। छोटा बच्चा। चले जी मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। चाय किसकी है? नाश्ता कर लिया आपने? चाय किसकी है? भाई की? माविद भाई की है। मैं थोड़ी सी सेवियां गरम करूं अपने लिए। मैं तो नहीं ठंडी खाती, मजा नहीं आएगा। बच्चे ने नाश्ता कर लिया है और सेवियां गरम करके लाए। सुल्तान को मैंने खाना डाला, सुल्तान ने एकदम सबको मारा। माँ जी बर्तन उठाओ जल्दी, ऐसा ना हो के लाइट क्या है। ये आप हाथ धो लिए? पानी डालना अभी इसको। हाँ दो जाओ खाना खा ले। मोहम्मद मालिक मुझे स्पून पका, वो वाला स्पून पकड़ाओ जाके। जाओ दिख जाओ सोने। ये रहा, ये पराठे के पास पड़ा है। हाँ दे दो, यही वाला दे दो। बड़ा कहाँ से लाओगे आप, छोटा ही दे दो मुझे। ये गर्म कर लें फिर खा। हमने तो ठंडी कर दी। मैंने इतनी देर में बाबा के लिए पराठा बनाया और आपके लिए सेवियाँ हो गई ठंडी। आज पकाना क्या है? गोभी। गोभी खाते रहे बस। दो चम्मच बस सेवियां लेती हूँ। फिर मैंने अब खाना है ग्रेपफ्रूट। खाना है आपने से भी? इनके बाबा का कहना है, बाबा कह रहे हैं कि एक और बना दें। एक मिनट में ये देकर आओ दूसरा, अभी वो नीचे खा लेंगे तो फिर बाबा रह जाएंगे। ये लो मैं आपको बना के देती हूँ, आप ये एक और देकर आओ। एक हाँ तो वो खा जाएंगे इतनी देर में। मैं एक और बना देती हूँ ना, दूसरा भी दे आओ जब तक बाबा आते, ये भी बन जाएगा। चले जी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। मैं भी नाश्ता कर लूँ और ये बाबा को पराठा बना के दे। देखें बच्चे नाश्ता करके सब कुछ छोड़ के चले गए। ये पड़ी मेरी सेवियाँ, मैंने वो भी नहीं खाई। और ये पड़ी चाय, वो भी ऐसी पड़ी, मैंने कुछ भी ना खाया ना पिया। ऐसे ही काम में लगे लगे दिन गुजर जाता है। बच्ची आ गई कुरान पाक पढ़ने, उसको सबक देने लगी। अब ये उठाते हैं और मैंने कल रात का खाना खाया हुआ और बस अब सिर्फ ग्रेपफ्रूट खाया। ये सेवियाँ रखो उठा के फिर इतना अब नहीं खाना, बस जब दिल करेगा जब भी कुछ खाऊंगा। छोड़ दो सारे बर्तन शर्तन उठाओ, जल्दी जल्दी काम करें। मारिज आज क्या पकाना है? चलो मारिज का तो आप गोभी, कल गोभी खा नहीं रहा था, आज भी इसने गोभी खानी है। रखी है गोभी, खा लेना खा लेना। रखी है गोभी, आपने गोभी खानी है। तो सारे बर्तन इकट्ठे करो, कमरे की सफाई करें। अफीफा पढ़ लिया बेटे? अफीफा एक काम करो, चलो आपसे नहीं झड़ेगा छोड़ दो, इतना बड़ा दस्तरखान है ये नहीं झड़ता। इसको बाहर छाड़ के आए और रूम की करते हैं मैं करती हूँ। इतने बर्तन शर्तन धो लेती हूँ और मोबाइल में चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा देते हैं क्योंकि आजकल लाइट का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ना हो लाइट चली जाए, और मोबाइल बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है टॉर्च लाइट के लिए। पहले ये रखती हूँ बर्तन, बाहर जाके बर्तन धोएं, रूम की डस्टिंग करें। हल्की फुल्की सी करने वाली है, जब तक ये बर्तन आके धोएंगे डस्टिंग करते हैं पहले। और मोबाइल लगा देते हैं चार्जिंग और मारिज को पढ़ाई के वजह, जब मारिज को पढ़ने बिठाएंगे फिर मिलेंगे आपसे पढ़ाई के टाइम। ठीक है
चले जी, अब मिलेंगे अब आपसे जब बच्चे घर में आ जाएंगे कुरान पाक पढ़ के, और मारिज को पढ़ाना है एकेडमी। ये देखिए जी, आज रूम हो गया है पूरा क्लीन। आज दिल को बड़ी खुशी हुई है, रूम अच्छा सा क्लीन हुआ है रोशनी में, और सारे घर के काम जल्दी हो गए। ये देखिए सारे काम हो गए जल्दी से, और मोहम्मद मारिज की शरारतें देखो। ये वो शरारते करता है इसके साथ मोहम्मद मारिज, इसको दो हाथ पर हाथ पकड़ के इसके ऐसे ही चलाओ, हैंड करके चलाते हो ना जैसे, हाँ ऐसे। ये देखो, ये देखो मोहम्मद मारिज, ये तो आपके जितनी हो गई है ना। देखो जरा कितनी क्यूट है, वैसे ही ना देखो। ये देखो कैसे देखती मैसी, मैसी देखो कितनी क्यूट है। कुछ भी नहीं कहती ये मोहम्मद मारिज को, ना मियाओ ना कुछ, इसको बस मोहम्मद मारिज साथ अच्छा लगता है खेलना। ये देखो जैसे आप छोटा काका बना के सुलाते हो ना, कैसे सुलाते हैं इसको छोटा काका बना के, ये देख ये छोटा काका सो रहा है, सो जाओ, सो जाएगा। ये देखो, ये देख छोटा काका बन के सोएगा भैया। अच्छा नहीं है, नहीं मैं आपको नहीं कुछ कह रही, आप सो जाओ मैसी, आप सो जाओ। ये देखो सो रहा है, ये छोटा काका है। मारिज और मैसी का प्यार, बस देखो जरा इनकी शरारत। ये सोया होता है ना सुबह मारिज, तो मैसी आके उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे कर करके ना सर पे हाथ लगाता है, ऐसे कर करके सर पे हाथ लगाता है कि उठ। ये देख सो गया, ये देख सो गया। मारिज का तो छोटा काका मिला हुआ है खेलने के लिए। सोने दो ना करो, सो गया देखो जरा, देखो ये देखो सो गया। ये ऐसे प्यार मांगता है इसके साथ, मारिज के बाबा के साथ, और मारिज के साथ तो बहुत ज्यादा अटैच है ये। ऐसे ही बाबा के साथ सारी रात, जैसे ही बाबा उठेंगे ना नमाज के लिए, फौरन उठ के पाँव में आएगा, मियाँ मियाँ यू कर करके सो गया। मैं सो गया ना, वाह जी वाह। इधर देखो ना, मारी ना करो उसे, तंग ना करो, छोटा सा ऐसे सोने दो मारी। इधर देखो, मैंने आपकी पिक्चर बनाई है मैसी के साथ सोते, मैसी और मारिज का प्यार देखें बस। चलो मारिज इसको सुलाओ, और फिर आप ट्यूशन पढ़ो, ठहरो मैं इसका बैठ सही करती हूँ। चलो अब इसे सुलाओ आराम से, ये सो जाएगा, सो जाओ मैसी, सो जाओ, इसका सर खारिज करोगे ना इस तरह से सो जाएगा। सो गया, इतना क्यूट है, बहुत क्यूट लगता है। ये देखो, ये देखो मैसी, सो जाओ सोने, छोने छो जो छोने छोने मोने, हमारे घर के छोने मोने, छो जो छोटे से खिलौने वो कह रहा है। आप जा रहे हो, आप थोड़ी देर बैठे रोना उसके पास खामोशी से, आपको सो जो, सो दो सो जाए ना, सो जाए तो छोड़ दो। ए अब सोएगा, ए मारिज देखो मैसी की तरफ, इधर देखो मारिज, हाथ हटाओ ना उसके ऊपर से, मैसी देखो, मैसी और मारिज की पिक्चर बनाओ, देखो मैसी तो बुक्कड़ सा, हाँ लेजी, सोने दो, छोड़ दो बस, नहीं वो बात करना चाह रहा, उसने नींद, उसे नींद आई है। चलो जी आ जाओ मारिज, आप ट्यूशन पढ़ो, इतने मैसी सो जाएगा, फिर ऐसा होना हो लाइट दोबारा चल जाए, भाई आएंगे, भाई भी ट्यूशन पढ़ेंगे, और मिलते हैं हम आपसे मारिज को ट्यूशन पढ़ाते हो। चलो चले जी, मैसी को सोने दो, मोहम्मद मारिज को हम पढ़ाते हैं अब ट्यूशन, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं आज हम, ठीक है, ठीक है।
चलाओ, लाइट का भरोसा नहीं है। हटो हटो जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आप बैठो। हमारी जितना अच्छा बच्चा हो गया है ये ओवर ब्राइट पे काम नहीं करता। हमारी आप बोर्ड दरवाज़ा बंद करके आओ, सर्दी आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। ये देखिए मारिज ने ओवर ब्राइट पे काम नहीं किया बिल्कुल भी। हमारी अच्छा बच्चा हो गया है, इसको सिर्फ वन डॉट डालने पड़ते हैं और मारिज खुद काम करता है। ये देखिए मैंने ओवर ब्राइट नहीं किया था, मारिज ने सारा काम खुद किया है। और ये वाला तो मारिज ने बिल्कुल भी, मैंने एक डॉट नहीं डाला था। ये जो चार वर्ड्स है ना, ये मैंने एक भी डॉट नहीं डाला था। और मारिज ने देखे कितना अच्छा लिखा है, गलती से नहीं लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा है। इसको पढ़ के बताओ ना, अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा अलिफ मद्दाम अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा आरी अलिफ मद्दा आग अलिफ मद्दा आग अलिफ मद्दा आग अलिफ मद्दा आग अलिफ अनार अलिफ अनार अलिफ अंगूर अलिफ अंगूर अलिफ अंडा अलिफ अंडा अलिफ अदरक अलिफ अदरक अलिफ अल्लाह। अल्लाह किसने लिखा है? अलिफ अल्लाह, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह पहले, हर किताब में अल्लाह पहले। हाँ जी, चलो जी मोहम्मद मारिज को देते हैं काम। मोहम्मद मारिज कॉपियां तो खोल के दे दो ना। आप रेड लाइट व्हाट डू यू से याद करो इतने। I say stop and stop right away. Stop. I say stop and. Stop right away. Stop right away. Red light. What do you say? I say stop and stop right away. Red light, what do you say? I say stop and stop right away. Yes. पढ़ो ना। Red light, what do you say? I say stop and stop right away. बारे में आपको ये काम लिख के देती हूँ, फिर आप ये पढ़ना, ठीक है? अच्छा। चलिए जी, मोहम्मद मारिज लिखने लगा है आप काम। अलिफ मद्दा, एक मिनट ठहरो, तो ऐसे करके हाथ रखते, अब रखो, लिखो आप, शाबाश। अलिफ मद्दा, हाँ लिखो, ऊपर लिखना, शाबाश। ऐसे, वेरी गुड। अलिफ मद्दा आम आम अलिफ मद्दा आरी अलिफ मद्दा आली अलिफ मद्दा आग अलिफ मद्दा आग अलिफ मद्दा आलू अलिफ मद्दा आलू। वेरी गुड मोहम्मद मारिज जी, ये जो डॉट है ना, इधर से ब्राइट करना है आपने, इधर से इस डॉट से ब्राइट करना है, बिल्कुल लाइन के ऊपर से ब्राइट नहीं करना, ऐसे करना है। चलो लिखो, अब ये वन डॉट है ना, इधर से ब्राइट करो। हाँ, ये अब इसके ऊपर मद्दा डालो, शाबाश। मोहम्मद ऊपर बहुत ले गए जान, ठहरो, इसको वो रेस करो, इधर से इसके ऊपर से ब्राइट करना है, ऐसे। रेसिंग रेसिंग, आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, लेकिन बहुत बड़ा लिख रहे हो, बड़ा नहीं लिखना, छोटा छोटा लिखना है, लाइन के बिल्कुल अंडर लाइन को, लाइन को बिल्कुल ऊपर पर रखना है। नहीं मोहम्मद मारिज, हाथ से सही रखना ही तो हाथ है, छोड़ दो उसे, कुछ नहीं हुआ। अलिफ मद्दा लिखो जल्दी, अलिफ मद्दाम, हाँ जी, ये करी, शाबाश करो, ये, वेरी गुड।
चले जी, अगर वीडियो में लगे रहे, मोहम्मद मारिज ने नहीं पढ़ना और शरारतों में लगे रहना, तो मोहम्मद मारिज को पढ़ाते हैं और आज की वीडियो इसको यूं करना है। हाँ जी, इधर से ये राइट करना है। तो मोहम्मद मारिज, आज की वीडियो हम करते हैं यहीं ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो मेरी तरफ से सिर्फ विर्द दुआओं की दरख्वास्त है और दुआओं में याद रखिए। और मोहम्मद मारिज ने क्या कहना है? लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज। अल्लाह हाफिज़।